फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक इन माइंड चैनल। दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक स्टोरी टू मेक योरसेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग? बहुत दिन के बाद यानी लगभग 15 to 20 days अप्रॉक्स 20 days के बाद आप मुझे देख रहे हो, और उसका रीजन ये था कि मैं घर पे गया था और हॉलीडेज अपना अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहा था। मेरा लाइफ का एक वसूल है कि जो भी मैं काम करता हूं उसमें 100% देने की कोशिश करता हूं। तो मैं जब घर गया तो प्रॉपर घर पे ही एंजॉय किया और बहुत ही अच्छे तरीके से दिवाली सेलिब्रेट किया। और अब मैं आ चुका हूं अपने कर्म क्षेत्र में यानी आपकी दुनिया में। सो अब आपसे जुड़ा रहूंगा। अगर आप लोगों ने काफी लोगों ने वैसे मैसेज किया है और उसके बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने याद किया कि सर आ नहीं रहे, और आपने मैसेज किए, व्हाट्सएप पे किए, टेलीग्राम पे किए, हर जगह पे मुझे मैसेज मिले। तो जो मैं इसके बीच में देख रहा था, कई लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे, ढेर सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, और मैं स्ट्रक्चर की सीरीज स्टार्ट किया था उसके लिए सॉरी गाइस, आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। बट टेंशन मत लेना, मैं पूरा करूंगा क्योंकि अब मैं आ चुका हूं अपने कर्म क्षेत्र में। अब हम उसी तरीके से रेगुलर बेसिस पे वीडियो लेके आएंगे और आपकी क्वेरीज धीरे 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 सॉल्व होती चली जाएगी। हाँ, इस बीच में जो भी थोड़ा बहुत मिस हुआ इसको मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो का टाइम ड्यूरेशन बढ़ा के कवर कर लिया जाए चीजों को। तो आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं, सिर्फ यही कि मैं घर गया था और घर से आया ना? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने अपना यहाँ पर 10 मिनट दिया है आकाश पांडे के साथ, तो आप कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, तभी आपके लिए बेटर होगा। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप सिविल इंजीनियर हो, साइट पर सिविल इंजीनियर, क्योंकि मुझे इस छुट्टी में सबसे ज्यादा जो कमेंट आए हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैसेज आए हैं, वो यही आए हैं कि सर मैं साइट इंजीनियर हूं या फिर मैं साइट पर खड़े होकर जॉब कर रहा हूं। और कई ढेर सारे यूट्यूबर भी उनको कंफ्यूज कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। उनको चाहिए ऑफिशियल जॉब, उनको चाहिए कि मैं एक सिविल इंजीनियरिंग का काम करूं। उनको सिर्फ ये नहीं करना है कि कितने ट्रक आई, उतने ट्रक में कितना ब्रिक रखा था, कितनी रेडीमिक्स कंक्रीट की ट्रकें आई, क्या यही कैलकुलेट करना सिविल इंजीनियरिंग की जॉब है? अगर यही है तो कौन करता है यार, ऐसी जॉब कौन करेगा बताओ। कि हमें ये कैलकुलेट करना है कि कितने ट्रैक्टर ब्रिक आई, कितना सॉइल निकाला गया, ये कोई जॉब नहीं है सिविल इंजीनियर का। इसे तो कोई भी एक नॉन टेक्निकल बंदे को खड़ा करके मैं बता दूंगा, वो कर लेगा। फिर आपकी क्या जरूरत है, समझ रहे हो इस चीज को? तो मैक्सिमम लोगों को ये चीज के बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सिविल इंजीनियर हो और आपको एक परफेक्ट सिविल इंजीनियरिंग की जॉब चाहिए, यानी सिविल इंजीनियरिंग का काम करना है, न कि साइट पर खड़े होकर यह बताना कि इतना ब्रिक लगा दो, उसमें क्या टेक्निकलीज है, क्या सीखोगे उसमें, तो आपको कम बैक करना पड़ेगा आपके कुछ अलग अलग सेक्टर्स में विथ डिफरेंट डिफरेंट टेक्निकल स्किल्स। अब होता क्या है, कई लोग सब सीख लेते हैं और परफेक्ट किसी में नहीं रहते हैं। बेटर कि हम कम सीखें और उसमें बेटर रहें, मतलब परफेक्ट रहें, नॉट बेटर, क्योंकि बेटर तो बहुत है, परफेक्ट रहें। तो ऐसे कौन कौन सी प्रोफाइल्स हैं जिनमें हमें जाने का एक अच्छा बहाना मिल सकता है आफ्टर साइट इंजीनियरिंग, मतलब कहां पे हम अपने ट्रैक को रोक सकते हैं, कहां पर हम डायरेक्शन दे सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। थोड़ा लंबा एक्सप्लेन करूंगा, सो आप समझना चीजों को अच्छी तरीके से। देखो, एक साइट इंजीनियर जो होता है, चलो उसको जनरल नॉलेज तो हो गया कि कवर किस तरीके से चेक करते हैं, लैपिंग कितनी चेक करते हैं, बार कैसे डालते हैं, L/4 कैसे कैलकुलेट करते हैं, बार का एरिया कैसे, ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आप वैसे तो एक हफ्ते में भी सीख सकते हो, आपको इन चीजों का नॉलेज है। अब आप चाहते हो कि सिविल इंजीनियरिंग का कोर वर्क करूं, कोर, तो कहां जाऊं और कैसे जाऊं, इसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप अच्छे तरीके से इन सब बेसिक नॉलेज को सीख चुके हो, तो आपकी सबसे बेस्ट प्रोफाइल जो आज के टाइम में है, वो उसका डिमांड ये समझिए कि कभी कम हुआ ही नहीं। हाँ, कंपटीशन बढ़ता गया बट डिमांड कम नहीं हुई, दैट इज स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग जॉब। क्या? स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग जॉब। अब जैसे मैं स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का नाम लेता हूं, आप में से कई लोग तो ऐसे सोचेंगे, क्या सर, कुछ तो डिसलाइक मार के चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है, और कहते हैं ना कि आपका अपना अधिकार है। तो क्या होता है कि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की जब मैं बात करता हूं, तो कई लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का मतलब तो मैंने अपने किया नहीं है, फिर मैं कैसे स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की जॉब पे जाऊंगा। मेरे भाई, आपके डिग्री, मैं नहीं कहता कि बिल्कुल भी उसकी वैल्यू नहीं है,
बट डिग्री से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका नॉलेज। बहुत से बच्चे हैं जो एमटेक किए हुए हैं वो G+1 G+2 भी डिजाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको फोकस करना पड़ेगा नॉलेज के लिए। तो अगर आप बीटेक लेवल पर हैं या फिर आप एमटेक कर चुके हैं, एमई कर चुके हैं, बीई कर चुके हैं, तो आपको अपने करियर में कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर अगर ऐड कर लेते हो तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का नेटवर्क पूरा फ्लो हो जाएगा, खुल जाएगा एक तरीके से। कौन कौन से वो बेसिक सॉफ्टवेयर, पहला सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड, दूसरा सॉफ्टवेयर है स्टैट प्रो और तीसरा सॉफ्टवेयर है आरसीडीसी। पहला ऑटोकैड, दूसरा स्टैट प्रो और तीसरा आरसीडीसी। अगर ये तीन सॉफ्टवेयर सीख लेते हो तो बिगनर लेवल पर आपको स्ट्रक्चर रिगार्डिंग वर्क, चाहे स्ट्रक्चर ड्राफ्टमैन हो चाहे जूनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर हो, इसकी जॉब मिल जाएगी। आप बोलोगे सर मेरे पास पर्याप्त नॉलेज पहले से है, मैं थोड़ा और बड़े लेवल पे जाना चाहता हूँ, थोड़ा और हाई लेवल पे जाना चाहता हूँ। तो भाई अगर हाई लेवल पे जाना चाहते हो और ज्यादा, तब आप सीख लो ईटैब और सेफ। ईटैब और सेफ, आज मेरी इवनिंग में बेस्ट थी बट आज मैं आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ, सो आज उनको मैंने ऑलरेडी दिया है, बेचारे वेट कर रहे होंगे। तो ईटैब और सेफ ये जो सॉफ्टवेयर है, ये बेसिक के बाद सीखो, मतलब स्टेयर और आरसीडीसी के बाद सीखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर आपका स्ट्रक्चर ट्रम पहले से काफी स्ट्रॉन्ग है तो आप डायरेक्ट भी सीख सकते हो, नो इशू। तो इतने सॉफ्टवेयर जो है ये स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की प्रोफाइल के लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है। चलो जी, एक प्रोफाइल के बारे में बता दिया। दूसरा कहां जा सकता है ये बेचारा जो अभी साइट पर था, अभी इसको ऑफिस की जॉब चाहिए, दूसरी कौन सी प्रोफाइल इसके लिए बेहतरीन हो सकती है? मान लो उसको स्ट्रक्चर का नॉलेज है ही नहीं, या स्ट्रक्चर पढ़ने में मन ही नहीं करता, एसएफडी बीएमडी निकालना बोर होता है, मैनुअल डिजाइनिंग करना बकवास लगता है, इस तरीके की चीजें होती हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि सबका इंटरेस्ट हो इसमें। तो दूसरा जो जॉब है, अगर स्ट्रक्चर टर्म अगर आपका मैथमेटिक्स टर्म अगर आपका वीक है, तो आपका जो माइंड होगा ना वो क्रिएटिव बहुत होगा। कैसे क्रिएटिव? अच्छे अच्छे मॉडल्स तैयार कर सकता है, अच्छे अच्छे ऐसे ऐसे डिजाइन जो कि सिंगापुर में भी ना बनी हो, दुबई में भी ऐसे डिजाइन ना बनी हो, ऐसे मॉडल्स की क्रिएटिविटी उस इंसान के अंदर जरूर होती है। इंसान के पास दो तरह के ब्रेन होते हैं, एक ऐसे लोगों के ब्रेन होते हैं जिनको मैथमेटिक्स टर्म ज्यादा अच्छे लगते हैं, उनके लिए नो डाउट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी क्रिएटिविटी आर्ट बहुत अच्छी होती है। तो इसके लिए अब आज के टाइम में सबसे पॉपुलर प्रोफाइल जो है वो है BIM, यानी बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। आप बोलोगे सर इसमें तो मैंने बहुत नाम सुना है, इसमें मुझे करियर बनाना ही बनाना है, अगर आप इसके करियर के लिए गाइड कर दोगे तो मेरा लाइफ सेट हो जाएगा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ BIM से। तो BIM मीन्स बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, यानी कुछ भी क्रिएटिविटी करनी है ऑन साइट, उससे पहले वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे देख लेना कि एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और क्या क्या चीजें अच्छी हो सकती हैं, साइट पर कितना टाइम लग सकता है, ये सब कुछ BIM का। वैसे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, यहां मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। तो ये सब कुछ जो है वो BIM के अंडर आपको अपने लैपटॉप के थ्रू कर लेना है। इसमें सॉफ्टवेयर कौन कौन से सीख लिए तो समझ में आ गया कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे सब कुछ देखना है, इसके लिए BIM की प्रोफाइल है। अब इसमें जो मेजर सॉफ्टवेयर होते हैं बेसिक लेवल पे जिनसे आपकी जॉब लगती है वो होता है रेविट, ठीक है। अब रेविट में कई जगहों पर रेविट स्ट्रक्चर की ओपनिंग होगी, कई जगहों पर रेविट आर्किटेक्चर की ओपनिंग होगी, कई जगहों पर रेविट MEP की भी ओपनिंग हो सकती है। ये सबसे मेजर सॉफ्टवेयर है, इसके बिना BIM में एंट्री हो नहीं सकती। चलो मान लो आपकी एंट्री हो गई, या फिर आप जहां अप्लाई कर रहे हो थोड़ा बड़े लेवल की कंपनी है, उनको और डीप में BIM के बारे में सामने वाले बंदे से एक्सपेक्टेशन है, तब आपको सीखना पड़ेगा गूगल स्केचअप। स्केचअप अगर सीखते हैं, अभी गूगल का रहा नहीं, मैंने गूगल तो बोल दिया बट अभी गूगल का नहीं है स्केचअप, अभी ट्रिम्बल का है, ट्रिम्बल कंपनी ने उसको खरीद लिया है गूगल से। तो स्केचअप बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है, आप ऑटोमेटिक सीख सकते हो बहुत ही इजीली। इसके बाद जो सॉफ्टवेयर है और हाई लेवल पे जाने के लिए, आपने सुना होगा 2D 3D 4D 5D, ठीक है। तो चलो 2D 3D के लिए तो रेविट हो गया इस और अपना स्केचअप हो गया, 4D और 5D के लिए क्या यूज करेंगे? इसके लिए यूज करते हैं नेविस वर्क। क्या यूज करते हैं जी? नेविस वर्क। अगर आप नेविस वर्क सीखते हो तो आप थोड़े बड़े लेवल पे चले जाओगे, थोड़ी हाई नॉलेज आपके पास आ जाती है इस चीज के रिगार्डिंग।
कई कंपनियां होती हैं जो BIM का ही काम 3D डिटेलिंग का थोड़ा डीप लेवल पे करती हैं, तो उनको जो सॉफ्टवेयर लगता है वो लगता है टेबला। तो टोटल ऑटोकैड तो कंपल्सरी है ही ड्रैग पढ़ने के लिए, मेन है रैबिट, रैबिट के बाद स्केचअप, स्केचअप के बाद नेविसवर्क, और अच्छे से पढ़ना है तो टेक्ला। ये सॉफ्टवेयर अगर आपने सीख लिया तो BIM की इंडस्ट्री के आप ज्यादा तो नहीं कहूंगा लेकिन बादशाह हो सकते हैं। कई लोग सोच रहे होंगे कि सर आप ऐसी ऐसी बातें तो कर रहे हो लेकिन रियल में तो जॉब ही नहीं लग रही है। एक्चुअल में जॉब लग रही है, हमारे पोर्टफोलियो में वो दम नहीं है कि सामने वाला आंख फाड़ के देखता रह जाए। भाई अगर हमारे काम में क्वालिटी होगी ना तो बहुत सी कंपनियां हैं जो अभी भी वेट कर रही हैं अच्छे एम्प्लॉय का। तो आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, सर्च कर लीजिए पोर्टफोलियो बाय आकाश पांडे, मिल जाएगा आपको वीडियो, देख लीजिए कैसे बनाना है। ऐसे बनाइए कि सिर्फ देखता रह जाए इंसान की वाओ, होता है ना जैसे घर में कुछ करते हो आप तो बोलते सब वाओ, तो कुछ उस तरीके से वाओ निकालो, देखो आपका काम हो जाएगा। दो प्रोफाइल हो गई, कौन कौन सी हो गई, स्ट्रक्चर की हो गई और BIM की हो गई। एक प्रोफाइल और एक्सप्लेन करूंगा, बाकी प्रोफाइल बाद में करूंगा। तो एक और प्रोफाइल है जिसका नाम है प्रोजेक्ट मैनेजर। क्या प्रोजेक्ट मैनेजर? अगर आप साइट में ही बड़े इंटरेस्टेड हो, कुछ लोगों को बड़ा मजा आता है साइट पड़े आराम से, होता है ठीक है, तो अगर आपको बहुत मजा आ रहा है तो आपको फालतू में डिजाइन में मत सोचो, फिर आपको जब मजा आ रहा है तो उसमें करो। तो उसमें प्रोजेक्ट इंजीनियर की जो प्रोफाइल होती है बहुत ही बिंदास प्रोफाइल होती है। प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए ज्यादा कुछ सीखना भी नहीं है, सिर्फ आपको एक सॉफ्टवेयर सीखना है। कंपनियों में उसके नाम दूसरे दूसरे हैं, काम एक ही है। सॉफ्टवेयर का नाम है MSP यानी माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट कई कंपनियां यूज करती हैं, कई कंपनियां सेम वही काम करने वाला प्राइमेरा यूज करती हैं। क्या यूज करते हैं? प्राइमेरा। अगर आप MSP या प्राइमेरा सीखते हो तो प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए आप सबसे बेस्ट पर्सन हो। कोई भी डिग्री नहीं है चलेगा, मतलब बीटेक की होनी चाहिए, बी की वैसे कोई डिग्री है नहीं है चलेगा, सिर्फ और सिर्फ MSP या प्राइमेरा का अच्छा नॉलेज है और आप प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए अप्लाई करो, आराम से आपकी CV शॉर्टलिस्ट हो जाएगी। आगे जो प्रोफाइल है वो सर्वे इंजीनियर की है, और सर्वे इंजीनियर के बाद आपके एस्टिमेशन इंजीनियर की है, एस्टिमेशन इंजीनियर के बाद सिविल 3D के रिलेटेड प्रोफाइल है, लाइक कंटूरिंग वगैरह के लिए, टोटल स्टेशंस के लिए, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। आज के वीडियो में मैंने 3 टॉपिक एक्सप्लेन किया, कौन कौन से स्ट्रक्चर के लिए कौन कौन सी चीजें सीखनी है, और BIM के लिए कौन कौन सी सीखनी है, और प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए कौन कौन सी सीखनी है। होप आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है इफेक्टिव लगी होंगी, यूजफुल लगी होंगी। अगर ये यूजफुल लगी है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ग्रुप्स में शेयर करो, सो दैट उनको ही पता चले कि एग्जैक्टली हम कहां भटक रहे हैं। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जिस प्रोफाइल में इंटरेस्ट है उसी प्रोफाइल के सॉफ्टवेयर सीखो। क्या होता है कि आप सॉफ्टवेयर सबके सीख लेते हो और पूछता हूं मैं क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो जाती है, आप बोलते हो यार ये तो सीखा ही नहीं है। तो 10 सीखने से अच्छा एक को बेहतरीन सीखो, उसमें अपना बेस्ट दे दो, और अपने आप कहते ना उसकी एक डायलॉग था 3 का, काबिल बनो काबिलियत छक मार के आएगी, तो कुछ उसी तरीके से ये भी है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अब मैं आपके साथ बना रहूंगा। एक बार सॉरी फिर से बोलना चाहूंगा क्योंकि 20 बिना बताए मैं आपसे गायब था। वैसे उसकी छोटी छोटी जो क्लिप्स हैं, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे जुड़ो और आकाश पांडे ब्लॉग वाले चैनल पे जुड़ो, उसपे मैं छोटी छोटी क्लिप जो भी गाँव में मैंने इंजॉय किए हैं थोड़े थोड़े बनाए, क्योंकि आदत तो हो गई है रिकॉर्ड करने की, थोड़े थोड़े बनाए हैं। आप भी जुड़िए, आपको भी फील आएगा कि वाह क्या बात है, गाँव की लाइफ ही मजे ही अलग है कुछ। चलिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।